बच्चों आज का पाठ है विलोम। क्या हुआ, अपनी किताबें निकालो। दीदी आपने कहा था कल कहानी सुनाएंगे। दीदी आपने कहा था कि चित्रकारी भी कराएंगे। मैं तो रंग भी लाई थी। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं, हम लोग कहानी भी सुनेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और चित्रकारी भी करेंगे, ठीक है? तो आओ चलो सब लोग चलते हैं, हम लोग आ जाओ बैठो सब लोग। आ जाओ बेटा बैठो जल्दी से बैठो बैठो सब लोग बैठो। अच्छा अब मैं आप लोगों को कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? एक थी नदी। नदी के किनारे क्या क्या होता है? घास होती है। और क्या क्या होता है? पेड़ होते हैं खूब सारे। और क्या क्या होता है नदी के किनारे? गांव। गांव में क्या होता है? झोपड़ियां। झोपड़ियां। और क्या क्या दिखता है गांव में? खेत। खूब सारे खूब हरे भरे खेत देखे हैं आप लोगों ने? हाँ खूब सारे खेत। खेत होते हैं, खूब हरियाली होती है गांव में, दूर दूर तक खूब बड़े बड़े खेत होते हैं। ऐसे ही एक गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती थी, उसका नाम था मंगला। मंगला। मंगला का चित्र कौन बनाएगा? बनाओगे बेटा? लो बनाओ। मंगला के परिवार में रहते थे उसके माता पिता और उसका छोटा भाई राजू। मंगला के पिता जो थे वो खेतों में काम करते थे, वो हल चलाते थे। क्या चलाते थे? हल। वो दिन रात मेहनत करते थे, उसी से उनका गुजारा चलता था। मंगला की माँ घर में काम करती थी। आप लोग काम करते हैं घर पे? जी। क्या क्या काम करते हैं बेटा? झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू भी लगाते हो, शाबाश। हैं और क्या करते हैं? खाना बनाने में मदद करते हो, सफाई करते हो। ऐसे ही बेटा मंगला और उसका छोटा भाई राजू अपनी भी माँ की मदद करते थे। उसके बाद सब काम निपटा के वो लोग जाते थे विद्यालय, बस्ता लेके अपना। मंगला और उसका भाई खूब जी जगान लगा के पढ़ते थे, वो दोनों बहुत तेज थे पढ़ाई में। और कक्षा में वो लोग सदैव प्रथम आते थे। आप लोग भी जी जान लगा के पढ़ोगे सब लोग? उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद दोनों बहुत बड़े डॉक्टर बन गए। और जब भी कोई रोगी स्वस्थ होता था तो वो बहुत खुश होते थे। मंगला के माता पिता का सपना पूरा हुआ और उनके सारे दुख दूर हो गए, वो दोनों बहुत प्रसन्न थे। तो कैसी लगी आप लोगों को मंगला की कहानी बच्चों? बहुत अच्छी। आप लोग भी मेहनत करके पढ़ेंगे? पायलट। आप पायलट बनेंगे? हम भी पायलट। दीदी मैं भी बड़ी होके मंगला की तरह डॉक्टर बनूंगी। तो
बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन उसके लिए आपको अभी से खूब सारी मेहनत करनी होगी, खूब सारी पढ़ाई करनी होगी। करेंगे सब लोग? हाँ, मन लगा के पढ़ेंगे जी। तो चले हम लोग आज थोड़ी सी पढ़ाई करें अब जी। जी? चलो चलते हैं फिर। बच्चों आज का पाठ है विलोम। विलोम, विलोम का अर्थ हुआ दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द। क्या हुआ, नहीं समझ में आया? देखिए इसका मतलब हुआ दिए गए शब्द का उल्टा। दीदी दीदी ऐसा उल्टा? शैतान ऐसा नहीं, मैं आपको बताती हूँ। ये क्या हुआ बच्चों? हंसना। और ये? रोना। इसका अर्थ ये हुआ हंसने का उल्टा रोना होता है। रोना हंसने का विलोम है। अच्छा आप लोगों ने अभी जो कहानी सुनी थी उसमें कई शब्द आए थे जैसे दिन रात। अच्छा ये आप लोग बताइए दिन रात से अलग कैसे होती है? दिन में क्या क्या होता है? सूरज निकलता है और रात में चांद निकलता है। और दिन में क्या होता है? धूप निकलती है, उजाला होता है और रात में अंधेरा होता है रात में। और बताइए रात में, दिन में आप लोग क्या क्या करते हैं? विद्यालय जाते हैं दिन में। सब लोग जाते हैं विद्यालय। और रात में आप लोग क्या करते हैं? सो जाते हैं। लोग सो जाते हैं। दीदी रात को परी भी आती है। हाँ सपने में रात को परी भी आती है। आती है ना सबके जी। बच्चों जैसे रात दिन का विलोम है वैसे ही और भी शब्द है। अच्छा रोगी शब्द का अर्थ आप लोग जानते हैं? रोगी का मतलब हुआ बीमार। और बीमार बच्चे कैसा होते हैं? एकदम सुस्त, उसकी गाल अंदर को ऐसे धसे हुए, आंख के नीचे काला काला है ना। और रोगी और स्वस्थ उसका विलोम हुआ। स्वस्थ बच्चा कैसा होता है? एकदम खुश, खेलता है, शाबाश, और विद्यालय जाता है, पढ़ता है। हाँ तो इसका अर्थ हुआ रोगी का विलोम हुआ स्वस्थ। और शब्द है जैसे सुख, और सुख का उल्टा हुआ दुख। चलो बच्चों और भी विलोम शब्द हम लोग लेते हैं जैसे दाए दाए, बाए बाए, ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, आगे आगे, पीछे पीछे, लंबा लंबा, नाटा नाटा, मोटा मोटा, पतला पतला, दोस्त दोस्त, दुश्मन दुश्मन। तो बच्चों विलोम का अर्थ हुआ दिए गए शब्द के उल्टे अर्थ वाले शब्द। सबकी समझ में आया जी? अब कोई भूलेगा तो नहीं? सबको याद हो गया जी। तो चलो एक बार और हम लोग इसे दोहराते हैं। दाएं बाएं, रात दिन, मोटा पतला, लंबा नाटा। अब सबको याद हुआ? याद हो गया? चलो अब घंटी बज गई है, छुट्टी हो गई है, सब चलते हैं।